अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? मेरी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद शरीफ मोहम्मद अला अलैहि व बारिक वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा एबल टू। एबल टू क्या होता है? ये दरअसल आप कैपेबिलिटी की बात करते हैं कि आप कितने काबिल हैं, ठीक है, उसको बताने के लिए हम लोग एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। उसका फॉर्मेट है हमारे पास सब्जेक्ट बी एबल टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बी का मतलब आपको पता है कि ए के बाद क्या लगाएंगे, एग्जाम वगैरह, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखें कि जैसे मैं बोलूं कि वो इंग्लिश बोलने के काबिल है, क्यों वो इंग्लिश बोल सकती है, ठीक है, क्यों वो इस काबिल है कि वो इंग्लिश बोले। उसको कैसे बोलूंगा, शी के साथ क्या लगा देंगे, बी की जगह पे इस आता है ना, शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, सही है। अगर इसी से पास में दान हो गए इंग्लिश बोलने के काबिल थी तो इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, वो पता है ना सी इसका, तो शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इसी तरीके से बोले कि वो बाइक चलाने के काबिल नहीं है, कैसे बोलेंगे, दे आर नॉट एबल टू राइड बाइक। तो इस तरीके से अगर मैं बोलूँ कि क्या हम लोग जीतने के काबिल, तो कैसे बोलेंगे, आर वी एबल टू विन, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी भी किस्म का कुछ कंफ्यूजन है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कैंडली अपना फीडबैक दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। समझ लगी? यस सर। इसका जुमला बताओ, एबल टू कल वाले के भी 10, इस